हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने करवा दिया, आप जाके देख लो। अगर नहीं देखे हो अभी तक, जाके स्टार्टिंग से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने करवा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन आज हम खत्म करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्कशीट, जो सॉरी वर्कशीट तो इसमें नहीं है, इसमें एक्सरसाइज है, ठीक है, 8 दिसंबर का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा भी एक्सपोनेंट चैप्टर ही कंटिन्यू चलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर इसके टोटल 3 वर्कशीट हैं, जो 3 एक्सरसाइज हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ ए का वैल्यू गिवन है 2, बी का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 3। देखो यहाँ ए और बी का वैल्यू गिवन है, बस हमें वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, देखो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे ईजी सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, ए प्लस बी होल टू द पावर ए। तो बस यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ गया है 2, यहाँ पर 2 लिखो प्लस, फिर यहाँ क्या लिखा है, बी लिखा है ना, यहाँ पर बी की जगह पर 3 लिखो, फिर पावर यहाँ पर क्या है, पावर ए है ना, तो पावर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 25। हो गया, देखो कितना ईजी सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल को हम इधर ले लेते हैं, इसको यहाँ पर क्यों रखते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, दूसरा सवाल हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, आपको क्वेश्चन देख के आपको मजा आ रहा होगा करने में, आप चाहो तो खुद कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक ही कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला मैं। यहाँ पर क्या है, ए बी, कोई बता सकता है ए बी का रिलेशन क्या है, यस ए इंटू बी। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों, ए बी को एक्सपांड करो, एक्सपांड चैप्टर तो पढ़े हो, तो अब क्या कैसे एक्सपांड करोगे, ए इंटू बी लिखोगे कि नहीं, तो बस यही लिखना है, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ए बी को मैंने क्या लिखा है, ए इंटू बी, पावर कितना है, बी है, पावर यहाँ पर बी है। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देखो तो ए का वैल्यू हमने यहाँ पर कितना गिवन है, ए का वैल्यू 2, तो यहाँ लिखो 2। बी का वैल्यू कितना गिवन है, 3, तो 2 × 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, बी है ना, तो यहाँ पर पावर 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 6 × 6 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 216, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल भी बहुत ईजी है। देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे गिवन है बी बाई ए टू द पावर बी। देखो ये भी बहुत ईजी है, पहले तो हम ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, बी, बी कितना था हमारा बच्चों, आई थिंक 3 था ना, 2 था, देख लेते हैं, ए 2 बी 3, तो बी यहाँ पर 3 है, बी की जगह हम 3 लिखेंगे, बाय ए की जगह हम लिखेंगे 2, फिर पावर लिख देंगे 3। बस इसको सॉल्व करो, देखो कितना इजी हो गया सवाल। 3/2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, कि 3/2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करो कितना आंसर निकलेगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर निकलेगा, 27, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर निकलेगा 8। तो ये हो गया हमारा आंसर 27/8। क्या आपको हार्ड लगा, बहुत ईजी है। अब पढ़ते हैं बीट फोर, हमें सवाल यहाँ पर क्या गिवन है, देखो बीट फोर हमें यहाँ पर सवाल गिवन है ए बाई बी प्लस बी बाई ए टू द पावर ए। चलो उसको सॉल्व करते हैं, तो ए वैल्यू हमें तो गिवन है, वैल्यू कितना गिवन था, ए का वैल्यू 2 था और बी का वैल्यू कितना है, 3 है ना, ये वैल्यू गिवन है हमें। तो ए की जगह पर यहाँ पर लिखो 2 बाय, बी की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस, फिर यहाँ पर बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 3, ए की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 2, टू द पावर क्या, ए है ना, तो ए कितना है वैल्यू हमारा 2, ठीक है। बस हमें वहाँ पर ए और बी की जगह पे हमें वहाँ उसका वैल्यू लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलो हमें पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2, ये देखो 2/3 प्लस 3/2, तो हम 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ये तो करने सबको आता ही है ना। चलो अच्छा फिर क्या करते हैं, 6, 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाएगा, 2 पर भी 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाएगा, 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो कितना, 3 × 3 9, ये हो गया स्क्वायर। तो 9 + 4 कितना होता है, 13/6 टू द पावर कितना हो गया, स्क्वायर टू द पावर 2। तो 13/6 को हम सॉल्व करते हैं, तो 13/6 को सॉल्व करें क्या हो, 13/6 × 13/6, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 13 × 13 होता है 169 होता है, और 6 × 6 होता है 36, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर बीट 4 मैंने खत्म कर लिया है। तो ये हमारा खत्म हो चुका है वर्ड्स, जो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया वर्ड, नया हमारा एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज जो 6.2 आई थिंक है,
उसको हम स्टार्ट करेंगे, और इसके लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। लॉ अभी तक तो मैंने अप्लाई ज़्यादा किया ही नहीं है, तो लॉ के जो हम जो जितने भी हमने लॉ पढ़े थे आपके डीबी बुक के जितने से लॉ, वही सब लॉ इसी में भी है। इसमें कुछ नहीं, इसमें नया लॉ है, कोई बात नहीं। जो मैं वो नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड से जो मैं कराऊंगा सारे लॉ मैं आपको एक ही पेज में सब फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सारे लॉ को और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे वो जो अपना नेक्स्ट वर्कशीट जो है हमारा, जो हमारा जो एक्सरसाइज है, सॉरी मैं बार बार वर्कशीट बोलते रहूँ क्योंकि मुझे डीएबी का आदत हो गया है, वर्कशीट वन वर्कशीट टू। यहाँ पर वर्कशीट तो है नहीं, यहाँ पर एक्सरसाइज है, पॉइंट वाइज है, 6.1 6.2 ऐसे ही, मतलब पॉइंट वाइज यहाँ पर एक्सरसाइज के नंबर्स यहाँ पर गिवन है। तो आरडी शर्मा बुक जिसके पास नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा एक्सप्लेन चैप्टर का, जो भी क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं सब आपको पीडीएफ वहीं पर है। ये सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं, बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको। एक्सपोनेंट चैप्टर जो है वो चैप्टर को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, और मैंने अपने उसको टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसको अपलोड कर लिया है। तो आप वहाँ पर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लो, आपके पास एक बुक का पीडीएफ रहेगा, ठीक है। सिर्फ मैंने चैप्टर का अपलोड किया है, एक्सपोनेंट पावर का चैप्टर का जो एक्सपोनेंट जो है चैप्टर आपका, उसी का पीडीएफ मैंने आरडी शर्मा बुक का पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया है, ठीक है। और आप जरा सवाल यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो आपकी टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा मेरा, वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, पीडीएफ को, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो वन होगा हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का, ठीक है। तो जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और सारे दोस्तों को बताओ, अपना जो डीएवी में नहीं पढ़ते उनको भी बताओ, ताकि उनका बुक भी वही सेम ही होगा, क्योंकि आर्टिस्ट में जो बुक है वो सब स्कूल के बच्चे उसको करते हैं एक्सेप्ट आईसीएसई मीडियम, क्योंकि उनका तो अलग मतलब बुक होता है, बट जितने सारे सीबीएसई स्कूल हैं सब एड्रेस में बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबको यहाँ इस वीडियो को शेयर करो, और जितना उसके वीडियो को लाइक करो बच्चों, और चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के मिलते रहे, ओके बच्चों। इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, सारे लॉ बताऊंगा उसमें, फिर से स्टार्ट करेंगे लॉ बताने के बाद, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलो बाय।